सीएम योगी के खिलाफ हर साजिश का पर्दाफाश, साजिशकर्ताओं के खुल गए नाम, षड्यंत्रकारी हो जाए सावधान, हर चाल का होगा पूरा हिसाब, जाएगी कुर्सी होगा पत्ता साफ। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही योगी आदित्यनाथ अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर है। खास बात यह है कि राजनीतिक विरोधी भी कोई बाहरी नहीं है बल्कि बीजेपी के अंदर के ही उनके साथी हैं। वैसे साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने, उसी वक्त साफ हो गया था कि उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं, जिन्हें हिलाना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ से कुछ खास ही प्रेम रखने वाले अपने अपने लेवल पर उनकी बुनियाद हिलाने की कोशिश करते रहे, जिसकी एक बानगी सबसे पहले साल 2022 में देखने को मिली थी। जब साल 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक वक्त आया जब केंद्र ने करीब करीब उन्हें हटाने का मन बना लिया था, लेकिन वो योगी हैं, इसे रोकने में वो तब भी कामयाब हो गए। दरअसल ये लगभग तय हो गया था कि योगी को हटाया जाएगा। वहीं विधानसभा चुनाव में सिर्फ 9 महीने तब बाकी रह गए थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से उनके टकराव की खबरें तब आम हो चली थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसी तरकीब लड़ाई कि उनके विरोधी इसकी काठी नहीं ढूंढ पाए और चारों खाने चित हो गए। योगी आदित्यनाथ ने इस विरोध को ऐसे कुचल दिया कि जैसे इसने कभी सिर उठाया ही नहीं था। लेकिन शायद योगी के विरोधी ये बात भूल गए हैं। वे भूल गए हैं कि ये वही योगी हैं। नोएडा में किसी सीएम के जाने पर उस सीएम की कुर्सी चले जाने जैसे मिथकों को तोड़ने के साथ अपने विरोधियों का घमंड और अकड़ तोड़ने में माहिर हैं। इसीलिए उन्हें जान लेना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ की इमेज एक हिंदुत्ववादी नेता की है। इसी वजह से योगी के सियासी दुर्ग को ना तो मुलायम सिंह का समाजवादी बाढ़ हित पाया और ना ही मायावती की सोशल इंजीनियरिंग काम कर पाई। योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें राजनीति की पूरी परिभाषा अच्छे से पता है। वे अपने सियासी विरोधियों को पटखनी देने में माहिर हैं और मजे हुए खिलाड़ी हैं। योगी आदित्यनाथ सियासी मैदान में अपने प्रतिद्वंदी को ऐसी पटखनी देते हैं कि वो कभी उठ नहीं पाता। वैसे देश के लोगों को आजम खान का नाम अच्छे से ही याद होगा। खैर, योगी का कद बीजेपी में और देश की राजनीति में कितना बड़ा है, इसे योगी के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को भूलना नहीं चाहिए। बीजेपी के तेज तर्रार और फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाने वाले योगी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर साल 2022 में खूब वायरल हुई थी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखे हुए थे, देश की राजनीति की चर्चा करते हुए नजर आए थे। ये तस्वीर उस वक्त मात्र एक तस्वीर भर नहीं थी बल्कि एक इशारा था कि अब भारत का भविष्य ये भगवा चोले वाला सन्यासी ही है। लेकिन योगी के खिलाफ आलाकमान के कान भरने वालों को याद रखना चाहिए कि कैसे साल 2017 में जब मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम आगे चल रहा था, इतना ही नहीं उनकी गिनती बीजेपी के कद्दावर नेताओं और देश के गृह मंत्री अमित शाह की नजरों में भी थी, तब भी वे योगी आदित्यनाथ को पछाड़ नहीं सके और यूपी के मुख्यमंत्री का ताज योगी आदित्यनाथ को पहनाया गया। वहीं योगी से मुकाबला करने वालों को जब पता चला कि उनकी दावेदारी परवान नहीं चढ़ सकी तो उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ा। अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए बार बार दिल्ली का चक्कर लगाने वाले और आलाकमान से मीटिंग पर मीटिंग करने वालों को जान लेना चाहिए कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी भले ही यूपी में पहले के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन ना कर पाई हो, मगर योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर के आसपास की सीटों पर जैसे महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और बांसगांव को बचाने में कामयाब रहे हैं, तो वहीं कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में बीजेपी को हार मिली है, क्योंकि इन तीनों सीटों पर सियासत में रुतबा बढ़ने और पार्टी में कोई बड़ा पद पाने के रखने वाले नेता जी अपना असर छोड़ना चाह रहे थे और ये उनके अस्तित्व से जुड़ी हुई सीटें थी। भले ही योगी आदित्यनाथ से कंपटीशन करने वाले शुरुआती दिनों में आरएसएस और वीएचपी से जुड़े रहे हों, लेकिन किसी भी राजनीतिक साइज से अलग हिंदुत्व वाली राजनीति पर चलने वाले योगी आदित्यनाथ अब आरएसएस की आंख का तारा बन चुके हैं। इसीलिए उनकी जड़ें हिलाना मुश्किल ही नहीं, यूपी में नामुमकिन है।
क्योंकि एक बार फिर कार्य समिति की बैठक में योगी के खिलाफ आक्रामकता दिखाकर योगी के खिलाफ आलाकमान के साथ घंटों बैठक करने वाले नेताजी को वो फायदा नहीं मिला जिसकी उम्मीद वे लगाए बैठे थे, क्योंकि आलाकमान और अपने करीबियों के साथ मीटिंग पर मीटिंग करने वाले नेताजी किसी भी तरह का आश्वासन नहीं पा सके कि उन्हें भविष्य में कोई बड़ा पद दिया जाएगा। इसकी गारंटी भी वे दिल्ली से अपने साथ लेकर नहीं आ सके। इसीलिए ये फेल्योर बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के लिए फिलहाल योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। यूं तो सियासत में कई सूरमा हैं जिनका व्यक्तित्व और बोलने का अंदाज सबसे अलग है। उन्हीं चुनिंदा नेताओं में से एक हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो 26 साल की उम्र में 1998 में अपने सियासी सफर की शुरुआत करते हैं। 1998 के बाद 1999, 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गोरखपुर की लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहरी क्षेत्र से उन्होंने 1,00,000 से अधिक वोट से जीत दर्ज की थी। इससे पहले 2017 में उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और पहली बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। और वे अब भी बतौर मुख्यमंत्री यूपी की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और यूपी में कानून का राज बेहतर तरीके से पालन करने में पिछले दौर के मुख्यमंत्रियों से ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं और सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।